हरियाणा के चुनावी रण की महाकवरेज जारी है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट असेंबली का अखाड़ा में बात करेंगे उचाना कला की। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी और मौजूदा विधायक प्रेमलता को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला यहां से उम्मीदवार हैं और इस सीट पर बीजेपी और जेजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। आज बात हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट उचाना कला के हलके की करेंगे। 2019 में चौटाला परिवार और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार आमने सामने होंगे। हालांकि 2014 में बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने जीत हासिल की थी। आइए आपको दिखाते हैं सीट पर अब तक क्या समीकरण रहे हैं। 2014 में बीजेपी की प्रेमलता जीती। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है प्रेमलता। 2014 में INLD के दुष्यंत चौटाला को 7,480 वोटों से हराया। पहली बार 2014 में बीजेपी उचाना कला सीट जीती। उचाना कला में सबसे ज्यादा बार बीरेंद्र सिंह विधायक चुने गए। बीरेंद्र सिंह उचाना कला से 5 बार विधायक चुने गए। 1977, 1982, 1981, 96, 2005 में कांग्रेस से बीरेंद्र सिंह जीते। उचाना कला सीट पर 2 बार INLD के विधायक भी चुने गए। 2000 में INLD से भाग सिंह छात्र जीते। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जीते। OP चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को 621 वोटों से हराया। 1987 में लोकदल के देशराज सबसे ज्यादा 45,248 वोट के अंतर से जीते थे। 2014 में चुनावी जंग जीत चुकी प्रेमलता पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। उधर INLD से अलग होकर नई पार्टी बना चुके JJP के दुष्यंत चौटाला एक बार फिर प्रेमलता को चुनौती देने के लिए उचाना कला से ही मैदान में हैं। जननायक जनता पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है। उचाना कला जींद जिले का हिस्सा है और यह हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। उचाना कला में 1,97,887 वोटर हैं। महिला वोटर 90,554, पुरुष मतदाता 1,08,211। उचाना कला में जाट वोटर ज्यादा हैं और इस सीट पर उनका दबदबा भी है। आपको उचाना कला का जातीय समीकरण भी समझाते हैं। जाट 98,915, राजपूत 1,108, ब्राह्मण 24,634, अरोड़ा 253, सिख 2,312, महाजन 6,718, सैनी 1,668। कृषि प्रधान इस इलाके में गेहूं, धान और आलू समेत कई फसलों की पैदावार होती है। हाई क्वालिटी के गेहूं, चावल, दाल, बाजरा की बिक्री के लिए उचाना अनाज मंडी देश में काफी मशहूर भी है। यहाँ की पुरानी अनाज मंडी में कपास, रुई की बिक्री बड़े पैमाने पर की जाती है। शिक्षा के लिए यहाँ कई बड़े संस्थान, राजीव गांधी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज समेत कई तकनीकी संस्थान हैं। अब जनता तय करेगी कि फिर से मैदान में उतरी मौजूदा बीजेपी विधायक प्रेमलता को पास करती हैं या किसी और को मौका देती हैं। उचाना कला से अमर खटकर की रिपोर्ट, R9 TV।